जाना नहीं, वो रास्ते मैंने चुने, किस्मत मेरी मैंने चुनी। तो बता क्यों तू हुआ मुझसे खफा, जाने ना दर्द मेरा पहचाने ना, Hi guys, and welcome to the ARC. And today we have the beauty and the best in the house. Nice. Natasha and Hasan. आपको पूरा नाम ले सर, हसन काफी मर्जी है, हसन बहुत सारे हैं तो पूरा नाम हसन अली अफंदी, नहीं लेना सिर्फ अफंदी, कुछ नहीं होता तो सिंधी. Great, and this is what I really like about the podcast. It's very casual and it's very fun and it's very entertaining and informative also. Yeah. So, बताएं जी क्या हालचाल चल रहे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. What's going on these days? बस रमजान में हम अपने ही मतलब स्टूडियो में बैठ के प्रोडक्शंस कर रहे हैं. I'm working on my next album. Oh, that's fantastic. Yeah. So, inshallah. अल्लामा इकबाल पे इस बार करने जा रही हूँ मैं. Very nice. और मुझे खुद जो है उस प्रोसेस में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि एक तरह से समझे कि मैं अल्लामा इकबाल के साथ जीना शुरू कर लिया है मैंने, सिंस आई एम डूइंग एन एल्बम. सो वो प्रोसेस चल रहा है. इंशाल्लाह 9 नवंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो वी आर ट्राइंग कि हम उस ट्राइंग किया डेफिनेटली उसी दिन ही हम रिलीज़ करना चाहते हैं. सो दिस इज द मेन फोकस राइट नाउ. Well, that's great. I mean, I also know that you are one of the very, very few artists who still believe in putting out albums. I do. Yeah. As opposed to, बहुत लोग समझते हैं कि जी एल्बम रिकॉर्ड करना एक वेस्ट ऑफ, बिल्कुल समझते हैं, वेस्ट ऑफ कंटेंट होता है, जो कि मुझे आज तक समझ में वैसे नहीं आया. मुझे भी नहीं. But the thing is that again, you're one of the people who independently put your album out. Yeah. Which is a very brave thing to do in Pakistan, क्योंकि copyright के खैर अभी काफी बेहतर हुए issues. अब जाके, he knows like Hasan would know more because.
Hassan is one most interesting and the most intelligent people when it comes to getting content out. He knows everything. He knows. In fact, just recently we had a meeting, and I've asked him to sort of help me, you know, with my whole YouTube stuff and all the monetization and all of that stuff. For he also manages Natasha, so I think he's a very key person in definitely in Natasha's life. Definitely. In terms of, you know, putting you out there. Bilkul. Right? Bilkul. So anyway, so coming back to to your album, what sort of a sound are we expecting? Is it still going to be folk oriented? Is it going to be, you know, mainstream? This time I am actually thinking to go mainstream. Or mainstream se murad aajkal log kya sun rahe hain, matlab mostly dekhe to logo ka rujhan jo wo EDM ki taraf chala gaya hai. तो अभी आई कांट से कि वो प्योरली ईडीएम होगा, बट यू नो एक हाइब्रिड होगा कि उसमें म्यूजिक भी है, जो मतलब एक हम लोग अकूस्टिक जो उसमें फील रखते हैं, एंड देन हम थोड़ा सा उसमें ईडीएम भी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टफ आल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर व्हिच इज माय लाइक ही इज माय यंगर ब्रदर, तो उस पर भी करता है कि वो क्या सोच रहा है. तो अक्सर हम बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं. तो इस बार जो है हमने सोचा कि थोड़ा सा जो है ना वो जोन हटा देते हैं फोक वाला, क्योंकि वो तो वैसे ही कर रहे हैं. तो हमने सोचा कि क्योंकि एक तो अल्लामा इकबाल के जितने भी कलाम हैं वो सब इतने हैवी होते हैं, मतलब आप अगर उनके लिरिकली दे आर सो हैवी. और मेरा मतलब एक तरह से यही मतलब वजह है करने की कि हमारी यूथ की तरफ ये जाना चाहिए. तो यूथ अगर मैं उसको बिल्कुल अगर मैं एक सीरियस और उसी अंदाज में पुराने अंदाज में करूँगी तो शायद ना सुने. तो हम लोग कोशिशों में है कि हम ऐसा साउंड बनाएं जो आज की यूथ जो है वो सुने, तो वो इन्जॉय भी करें और साथ साथ फिर उनको अवेयरनेस भी हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं और वो अपनी शायरी में क्या बात कर रहे हैं. डोंट यू थिंक दैट सो आई थिंक योर एल्बम योर प्रीवियस एल्बम मेड क्वाइट एन इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट फॉर द यूथ बेसिकली. एंड ऑफ कोर्स यू स्टिल हैव पीपल मेरे जैसे बुड्ढे भी सुनते हैं आपको. But the thing is, बहुत बड़ी बात है और आप बुड्ढे नहीं हैं. But the thing is that I felt that एक तो folk albums इतने कोई खास आते हैं नहीं anymore. And I felt you sort of set that trend. And just all of a sudden there was Natasha. I'm glad because मतलब मैंने भी नहीं सोचा था. And that just came out, you know, because I remember initially you were with Sounds of Kalachi. Yes. And It was a bit of an interesting transition, because from someone who's doing backing vocals there and then coming into the mainstream. And again, you know, Hassan, we'll talk about how you guys met and, you know, how did you get into this whole interesting journey. Exactly, yeah. Right? But the thing is that all of a sudden, I mean, I knew who you were because you're part of the music fraternity, and, you know, and Sounds of Kalachi was this again, yeah. They set a trend, right? Bilkul, no doubt. And so coming back to what your first album was, I think you set a trend more than, you know, sort of having the audience dictate ki ji abhi EDM bacche sun rahe to hum EDM karenge. Bilkul. So don't you think that, you know, something of that sort of thought process should be your next album? Because, I mean, I would love to hear something acoustic from you, like completely acoustic, maybe just a upright piano. And yeah, ye maine bada notice kiya, har cheez bass, drums, guitar, bass, koi grand piano ya is tarah ki cheez, ya koi violin ho gaya, ya koi, you know, just very minimalistic instrumentation. Mujhe yaad hai 80s and 90s mein ek gana aaya tha uska, Richard Marx ka, Right Here Waiting For You, bada cheesy sa gana tha lekin it was a huge hit. Although उसमें सिर्फ पीछे वो एक ऑर्केस्ट्रल टाइप एक पैड बज रहा है और वो पियानो बजा रहा है और वो गा रहा है. And it was a huge hit. It's crazy. And I always felt that how come this doesn't happen in Pakistan? मुझे लगता है यहाँ डरते हैं लोग एक्सपेरिमेंट करने. नहीं, मेरे ख्याल से उनको शौक है भरने का, हर चीज भर. You're right. हर चीज को भर. ये भी है. और आई थिंक एक अंदर रहता है काफी आर्टिस्ट के अंदर के किसी तरह बस ये हिट हो जाए, ये नहीं सोचना कि क्रिएटिव प्रोसेस क्या होना चाहिए. दे जस्ट थिंक कि एक सर्टेन फार्मूला है गाने का, वो फार्मूला लगा दो और बस गाने को फिर ओवरनाइट जो है मिलियंस ऑफ व्यूज मिलने चाहिए. वो तो आप खरीद ले व्यूज, वो अब तो खरीद भी सकते हैं. हां, बट यू आर राइट, हैज द इनसाइट फॉर एवरीथिंग. हां, लेकिन इतना डिटेल नहीं. सही. बट सो या सो द थिंग इज माय होल
my whole take is that I would really love to hear something like that off of you. But then this is a musician speaking. This is not your masses, and I'm sure. But I think जो हमारा plan है album को लेके. तुमने तो नहीं बताया EDM. EDM ही. EDM basically हमने जो compositions बना रहे थे अल्लामा इकबाल की, तो poetry बहुत difficult है और ऊपर से हमने वो कलाम उठा लिए हैं कि जो कि actually उसके ऊपर कोई तफसीर भी नहीं है, किसी ने कभी किया ही नहीं है. जैसे वो इसमें इस दफा वो नहीं कि खुद ही को कर बुलंद इतना we are done like past that के मतलब सबने कर लिया ना, तो अब हमने इस तरह की चीजें उठाई हैं कि मतलब जमाना आ गया है, जमाना आ गया है और इस तरह बेहिजाबी का आम दीदार यार होगा, तो अब इट्स डिफिकल्ट कंपोजिशन वाइज भी उनको वो झोल में नहीं है, वो थोड़ी सी तलफ्फुज वगैरह वो बेरब्त है थोड़ी सी शायरी. तो अब जब हम लोग उसको बनाने जा रहे थे तो हर उसके हिसाब से हमने देखा कि कहाँ क्या चीज बैठ रहा है. तो एक एक्चुअली एक बड़ा जो ये जमाना आ गया है बेहिजाबी का, ये एक्चुअली एक रॉक सॉन्ग बनने जा रहा है. So, उसमें EDM कोई बात नहीं है. वही कह रही हूँ कि so, हमने it's a mixture of, yeah, things, not just हमने EDM. सोचा but जरूर है लेकिन वो चीज़ क्या निकल के आ रही है. EDM एक ड्रमर के लिए मौत है. हाँ बड़ा खिलाफ हूँ. बिल्कुल नहीं नहीं सही, आप सही खिलाफ है. और अभी तो खैर मैं यही कह रही हूँ कि हमने आइडिया जरूर सोचा है लेकिन अभी भी नहीं पता, क्योंकि सोचते कुछ है और गाना कुछ निकल आता है, अक्सर ये होता है. तो इसलिए मुझे नहीं पता वो गाने, हाँ वो गाने किस शक्ल में बाहर आएंगे, तो जरूरी नहीं हमने सोचा हो. लेकिन ये मैं जानती हूँ जब हम इस एल्बम की तरफ जा रहे थे तो हसन ने मुझे क्लियरली बोला था कि नताशा वोकल ओरिएंटेड चाहिए मुझे, ये मतलब तुम्हारे वोकल्स मुझे ज्यादा सुनाई देने चाहिए. क्योंकि हम तीन साथ ही बैठते हैं और फिर जो है मतलब तीनों का इनपुट आ रहा होता है. शंकर कौन है तुम? पता नहीं, हम बस रहे गाती भी है ना. अच्छा गाती भी है, कंपोज भी कर लेती है. तो मतलब ये तो दिस इज हाउ द प्रोसेस गोज ऑन. फिर सनी भी अपना इनपुट देता है, समीर वही, आई कॉल हिम सनी. और उसके बाद जो है वो उसको हम गिटार पकड़ा देते हैं कि यार यहाँ पे कोई ऐसा कॉर्ड दो कि हम इस तरह कुछ बना दे. सो दिस इज हाउ तीनों का ही इक्वल इनपुट होता है मेरे हर गाने में. So, I mean, I know a little bit of what your journey has been from where you started and where you are now. And I think humne shayad ek baar koi cover gig bhi kiya tha. Cover gig bhi kiya tha. Really long time. Yeah, it was you like six, and six, Momo, seven, yeah. maybe? 15, yeah. I guess. 2015. It was 2015, haan. Wow. Bachchi thi tab. मैं भी बच्चा था. हम सब बच्चे थे. But like I said, you know, I mean, from your journey, so I think you were in college, you were in university. I was in university at the time. I'm very curious. You belong from Hunza, yeah, right? And is it a very conservative society there? I will not lie, because yeah, it is a conservative society. बाहर से जो लोग हुंजा को देखते हैं उनको लगता है लिबरल, और मैं ये नहीं कहूँगी कि लिबरल नहीं है, क्योंकि एक चीज़ बहुत अच्छी है हुंजा में कि एजुकेशन को बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया जाता है, विच इज़ लिबरल में आता है ये चीज़ कि मोस्टली अगर लड़कियों को देखा जाए, क्योंकि काफ़ी ऐसे सिस्टम्स हैं जहाँ पे लड़कियों की एजुकेशन भी कुछ नहीं मायने रखती. बट हुंजा की बहुत खूबसूरत बात यह है, आई थिंक ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान की मैं बात करूँगी, कि वहाँ पर लड़कियों को एजुकेशन में बहुत आगे किया जाता है कि बेटा पढ़ो. सो आई लाइक दैट थिंग अबाउट हुंजा. बस ये कि बस कुछ चीज़ें हैं जो, क्योंकि जाहिर सी बात है एक तरह से कबायली वाला फैक्टर आ जाता है, तो लड़कियां जो है वो थोड़ी सी उनको छुपा के रखा जाता है, वो मतलब कुछ करे तो. I mean, मुझे काफी बैलेंस लगा वैसे. It is indeed balanced. It is, I will not say that I come from a very extremely, but in my family what I saw, के क्योंकि जाहिर सी बात एक नया आइडिया था कि एक लड़की ने मतलब म्यूजिक करना है, स्टेज पे जाएगी. सो टैबू था और कोई लड़की आज तक गई नहीं थी. और इस मामले में थोड़ा सा है सीन के मतलब लड़कियां थोड़ी मतलब ढकी छुपी रहती हैं, मतलब मैं नहीं कह रही कि सब. So basically you're sort of a role model for all. Yeah, I do get Hunza. Messages from all these girls from Hunza now. Oh, that's great. Yeah, they all message me और कहते हैं कि आप हमारी role model हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि आप निकल आई, आपने ये चीज़ barrier तोड़ा, जो कि मेरा dream था. मुझे था कि ये चीज़ टूटनी चाहिए, क्योंकि ठीक है थोड़ा सा अब लड़कियों को भी, क्योंकि एक ख्वाब देखा है ना लड़की ने भी, तो सिर्फ इसलिए कि मेरा gender problem है, मैं लड़की हूँ तो मैं वो ख्वाब पूरा ना करूँ, ये तो गलत बात है. तो इसीलिए आई टुक द स्टैंड एंड इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल, एंड आई विल स्टिल से इट्स स्टिल नॉट ईजी. बट अल्हम्दुलिल्लाह सिंस यू नो, अब बंदा जब अपनी मदद आप हो जाता है ना, फिर उसको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती. तो अब मैं उस पॉइंट पे आ गई हूँ कि मैं अपनी मदद आप हूँ, तो इसीलिए अब आई डोंट नीड एनी वैलिडेशन. बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एबल टू चेंज द नैरेटिव. अभी अगर वहाँ से कोई वीडियोज़ आती हैं गाने की, कुछ किसी की भी, तो आई कैन
टेक द फुल क्रेडिट कि ये ट्रेंड मुझसे शुरू हुआ है क्योंकि कोई नहीं सोचता था. एंड who would you give credit to for this, like my mother she is a brave woman, although so she also an out of the box thinker basically. Yeah, matlab she also comes from that mind, you know, us wahi pe wahi wala brought up progressive. हाँ तो फिर उनके बस उनको हुआ कि भाई कि मेरी बेटी में एक टैलेंट है एंड शी वांट्स टू परस्यू. सो शी वाज द वन हु वाज विद मी. अगर वो भी नहीं होती तो शायद मेरे अंदर इतनी हिम्मत. एंड यू आल्सो हैव अ डिग्री इन मीडिया साइंस. या आई हैव अ डिग्री इन मीडिया साइंस. सो बेसिकली दैट एंड आई कैन सॉर्ट ऑफ रिलेट टू दिस बिकॉज़ इवन व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट मेरा एग्जैक्टली यही हिसाब था कि यू नो म्यूजिक इज ग्रेट लेकिन नौकरी हाँ मतलब प्रैक्टिकल नहीं लगता ना म्यूजिक लोगों को. वेल एट द टाइम या आजकल आई डोंट फील दैट इज एप्लीकेबल फॉर मेनी रीजंस बिकॉज देयर इज मनी इन्वॉल्वड इन इट. देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट. एंड आल्सो वन मेन थिंग आईड लाइक टू ऐड अपार्ट फ्रॉम द होल जेंडर इशू दैट वी हैव लाइक यू नो गर्ल्स इन मीडिया दैट अप्लाइज टू द मेल्स आल्सो लाइक लिटरली टू द पॉइंट दैट यू till a certain time you were not taken seriously. Wo aap banda ho ya bandi ho, man woman beast ya jo bhi ho wali baat hai. And the stigma that was attached was basically ye to sharab drugs bilkul us tarah ki cheez log us tarah se dekh rahe hote ki partyan. And I won't defend that that people aren't into those kind of things in our industry. But then I've seen doctors do it. Exactly. That's what I tell everyone. I've seen a lot of people do it, right? कि यही चीज़ है आम इंसान भी मतलब हर शोबे वाला कर रहा है. But media का क्यों पता है क्योंकि it's out there. It's not obscure. Exactly. It's like right there on the social media, on TV. Since वो exposed है तो that does not mean कि सिर्फ यही एक शोबा है जहाँ पे problems. और ये आपकी अपनी personality होती है. Yeah. This exactly. It's your choice. It's your choice. How do you want to carry yourself? Exactly. And I can vouch for a fact that the reason why girls from Hunza message you or tell you that you are their role model is because they know your personality, they know who you are, the kind of life you live, right? And that reflects very positively on someone who wants, like if someone is looking up to you, they're looking up to you not just because you sing, they want to know what your life is like, yeah, what kind of a person you are, right? And that's something that I guess most of us have been struggling for a very long time in our industry, but I feel it's gotten slightly better than before. I feel that too. हाँ हो सकता है बिल्कुल है. So coming to a very important factor in your life, Hasan. Yeah. How did you guys meet? Hasan तुम बताओगे या मैं बताऊँ? मैंने बहुत बोल लिया. Interesting story है थोड़ी सी. बेसिकली 2013 में आई वॉज वर्किंग इन अ प्रोडक्शन हाउस और वहाँ पे आई वॉज अ GM. तो हम लोग एक फिल्म बना रहे थे तो एट दैट टाइम वी वर लाइक हायरिंग और आई मेट एस एन बाली. 2014 नहीं हम बना रहे थे बट मैं 2014 में पिक्चर में आ रही हो तुम आहिस्ते आहिस्ते. सो उस टाइम पे आई मेट एस एन बाली, आई मेट कायद. तो फिर 2014 में क्योंकि उस टाइम पे हम लोग की हायरिंग हो रही थी और सारी चीज़ें हो रही थी. सो वन डे एक ऑफिस के अंदर थोड़ी सी एक चाइनीज विस्पर होना शुरू हो गई कि एक चाइनीज लड़की है जो कि पार्किंग में खड़ी हुई है. सो मैंने बोला कौन है? अब दो मिनट के बाद फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये खड़ी हुई थी. अब थोड़ी देर के बाद आए, हमने आके देखा, मैंने बोला कि आर यू वेटिंग फॉर समवन? तो उसने बोला शी सेड हाँ मैं कायद का वेट कर रही हूँ, तो कायद के साथ आई विल गो टू माई होम. मैंने कहा रहती हो? तो कह रही एफ बी एरिया. अरे मैंने कहा भाई खुद ही जाओ. मैंने कहा मन्ना मैं ड्रॉप कर देता. नहीं नहीं गुड, वेट कर दो यहाँ पे खड़े होके. सो ये उस टाइम पे पढ़ी थी ज़ेबस में. तो शी टोल्ड मी कि अगर आप लोग के यहाँ पे अगर कोई वैकेंसी हो या कुछ भी हो तो प्लीज डू लेट मी नो, मैं इंटर्नशिप या सीखना चाहूंगी या मैं शूट देखना चाहूंगी. सो मैंने कहा वी आर हायरिंग राइट नाउ, इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो सो आई कैन टॉक टू माई बॉस और आपको यहाँ पे हम कर सकते हैं. आफ्टर लाइक फ्यू डेज मैंने उसको अप्रोच किया कि मैंने कहा आ जाओ यहाँ पे, तुम्हारी जॉब हो जाएगी, तुम्हें सिर्फ मिलवाना है. तो शी वाज लाइक कि नहीं 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 मैं नहीं जा रही. सो इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इंटरव्यू की भी, क्योंकि इसकी जिंदगी का पहला इंटरव्यू. वो यहाँ बताने का थोड़ी है यार. ऐसे मैं बता रहा हूँ ना, मिले कैसे? वो मुलाकात कैसे? कुछ नहीं, एडिट कर दे. सो हम वहाँ पे जब मिले तो उसको मैंने अपने बॉस से मिलवाया, तो उनका नाम हुमा था. तो ये उसको वहाँ पे इंटरव्यू के अंदर बैठ के कह रही है ना आपका नाम हुमा है,
मेरी दोस्त का नाम भी हुमायूं, उसको कहते हैं हुम्मा चुम्मा दे दे। इंटरव्यू के अंदर नो एक्सप्लेनेशन, एक मुझे जॉब मिल गया था क्योंकि हम लोग को एक्चुअली उस टाइम के ऊपर ज़ैबिस के ही बच्चों की जरूरत थी, ज़ैबिस हमारे बराबर में पास ही था, बिल्कुल बराबर में। तो हमने बोला यार ये आ रही है, एक लड़की इधर ही होती है तो उसको यहाँ से हायर करने में तो हमारे लिए फायदा ही फायदा है, तो हमने उसको हायर कर लिया उस टाइम पे। एंड देन फिर दोस्ती हो गई, तो इसने फिर बोला कि उस टाइम पे मैं न्यूली पैशनेट सिंगर वो होता ना कि एक बट दिस इज द टाइम यू वर विद साउंड्स ऑफ कलाची। आई वाज विद साउंड्स ऑफ कलाची और उसी टाइम पे वो म्यूजिक का जो पैशन था कि मतलब अचीव करना है कुछ, वो वाला सीन बहुत ज्यादा था। तो मैं अपना पैशन हर किसी को बताती थी कि मुझे एक दिन म्यूजिशियन बनना है, सिंगर बनना है। इन लोगों का जो पैशन वगैरह भी जो था वो सारा मतलब होता है ना बचकाना कि आज हम करेंगे और अगले दिन माइकल जैक्सन होंगे। सो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल मामला में था कि मैंने कहा बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, तुम लोग बच्चे हो, और मैं बोल बोल के निकल जाता था ना, तो ये लोग लड़ते थे कि मतलब क्या ऐसा नहीं होता। हां मैं बहुत इमोशनल हो जाती थी, मैं लड़ने पे आ जाती थी, हाउ डेयर यू से सेड दैट आई विल अचीव इट, ओके। एंड मैं बोलता था नहीं ऐसा नहीं होता, ये तुम लोगों को लगता है, मतलब यहाँ पे हुमायूं सईद जैसा बंदा अपने वो खोल रहा है, शाहिद अफरीदी अपना स्टोर खोल रहा है, क्योंकि उनको सबको सर्वाइवल मोड के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता है। एंड एक सिर्फ मीडिया नहीं आपको खिला सकता, क्यों आपको जॉब चाहिए होती है, कुछ ना कुछ आपको एक इनकम चाहिए होती है। तो ग्रेजुअली एक दिन इसने शी आस्क्ड मी कि हसन एक मीटिंग है और वो लोग मुझे 40 शोज दे रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान एंड विद राहत भाई। सो मैंने ये बड़ी इंटरेस्टिंग एंड इट वाज लाइक फर्स्ट एवर टाइम कि मैंने बोला यार पता नहीं मेरा तो ऑफिस का टाइम होता है कितने बजे मीटिंग है, एंड शी सेड कि यार 1 बजे है और एक के वहां पे जाना है, तो इस पे बीप लगा दीजिएगा हम नाम नहीं ले सकते। तो हम लोग खैर वहां पे जब गए तो वी मेट अ गाय ओवर देयर, नाउ इज अ वेरी गुड फ्रेंड। सो उस टाइम पे जब मिले तो उसने बोला कि यार आपको ये दूंगा मैं, बोला मैंने कहा ठीक है भैया तुम दे रहे हो, मैंने कहा रिटर्न में क्या दोगे, रिटर्न मतलब हम इनको फॉलोअर्स देंगे, मैंने कहा कितने फॉलोअर्स, कहते 5,000, मैंने कहा पागल हो गया, मैंने कहा तुम करना क्या चाह रहे हो, मैंने कहा इन रिटर्न मतलब कोई मॉनेटरी लेवल, अच्छा चलो मॉनेटरी लेवल कुछ नहीं दे रहे, ट्रैवल कैसे करेगी है क्रू की गाड़ी के साथ, और मैंने कहा राहत भाई कैसे करेंगे, उनका तो अपना ऑनट्राज आता है, तो मैंने कहा उसको उस ऑनट्राज में से एक गाड़ी नहीं मिल सकती, अब इस तरह की वहां पे बातें चल रही हैं, रहेगी कहाँ, ये सारी चीजें उस वक्त हो रही है बातें। एंड देन सर मैंने बोला नहीं यार आप लोग बचकाना ऑफर दे रहे हैं, मैंने कहा दिस इज नॉट इवन पॉसिबल, 40 शोज की लालच है सिर्फ, मतलब इसके अंदर कुछ फायदा नहीं है। और हम आर्टिस्ट तो ये चीजें सोचते नहीं है ना, हम तो वो सोच रहे हैं कि हाँ, गाने का 2014 ही था, और मेरे दिमाग में तो मुझे हो रहा है कि बस गाने के लिए, मैं ये चीजें सोच ही नहीं रही उस लेवल पे कि मेरा रहना कहाँ होगा, मेरा ट्रेवल कैसे होगा, वो सारी जो एक क्या बोलते हैं इसको मॉनेटरी लेवल पे, ये मैं क्योंकि मैं मैनेजर तो था नहीं ना, मुझे म्यूजिक इंडस्ट्री का कुछ पता था, बेसिक्स जो होते हैं, सो मेरे दिमाग में बस एक कॉर्पोरेट लेवल का एक मामला था कि अगर कोई जा रहा है तो उसको बेसिक चीजें तो दे दो। सो जब वहां पे नहीं हुआ मैंने उस बंदे को वहीं पे बोला, मैंने कहा भाई बेवकूफ ना बने हम जा रहे हैं, वी लेफ्ट एंड आई वॉज स्केर्ड कि मैंने कहा यार बेचारी की जिंदगी का पहला इवेंट और मैंने खत्म कर दिया, पानी डालकर आया हूँ मैं, अब आई वॉज स्केर्ड कि हाँ, I think that was smart. So, मेरे दिमाग में उस टाइम पे ये हो रहा था, and she was happy. She was smiling. I was like, तुमने बहुत अच्छा किया. You did the right thing. If you, because उस टाइम पे अब मेरा पर्सपेक्टिव बताती हूँ कि उस, जब मैं वहाँ पे थी स्टूडियो में जब मैं काम कर रही थी, सो ही वॉज द ओनली फ्रेंडली फेस दैट आई सॉ, और एक होता ना कि एक पता चलता था कि इस बंदे से अगर कंसल्ट करोगे तो कोई सही बात बोलेगा, ये आपको भी फील हुआ होगा इससे मिलकर, इसका ऑरा ये तब से ऐसा है। तो जब मैं भी पहली बार मिली मैंने बोला यही बंदा समझ सकता है और यही बंदा सही गाइड कर सकता है, तो मैं हर चीज इससे पूछती थी। तो मैंने बोला व्हाई डोंट यू कम विद मी इन द मीटिंग, बिकॉज वैसे ही मुझे प्रॉब्लम, हम शुरू में जब नए आर्टिस्ट होते हैं हम ना बोल सकते हैं क्योंकि हम एरोगेंट लगते हैं, वो कितनी चीजें हमें बेच रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती है। सो व्हेन ही यू नो हैंडल द होल थिंग आई वॉज नॉट, मतलब बोलते ना मुझे वो लालच नहीं थी कि मुझे शोज मिल जाए, मुझे पैसे मिल जाए। मैंने बोला दिस इज कम्प्लीटली फाइन इफ यू थिंक, मैंने बोला तुम्हारी गट फीलिंग अगर कहती है कि दिस वॉज नॉट राइट फॉर मी देन आई बिलीव यू।